जय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हर्ष कुमार 811 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके ट्री के अनुसार से बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रिक नंबर वन में। यूर ट्रिक नंबर वन पढ़ेंगे यून सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? दोस्तों आपके फाइव। तो दोस्तों फाइव देश कौन से हैं पढ़ेंगे ठीक है। हमारे पास में दोस्तों रूस का फेस, इसमें का तो आ जाएगा आपके यहाँ पर साइलेंट, तो रूस बन जाएगा आपके यहाँ पर रिबन का भी का आपका साइलेंट हो जाएगा। एफ एफ से क्या पढ़ेंगे दोस्तों आपका फ्रांस, एफ से फ्रांस में तो ऐसी आपका ऐसे क्या पढ़ेगा दोस्तों आपका अमेरिका, जो आपको याद रखना है जिसकी। ओके दोस्तों अब आती है बारी सी की। सी से क्या आता है? सी से बनेगा दोस्तों आपका चीन, और चीन से बाद ऐसे आता है आपका ई, ई से हो जाएगा आपका दोस्तों इंग्लैंड। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है जो आपको हम आज मैं बता रहा, बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ना और सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल ठीक है। दोस्तों आप ट्रिक नंबर दो पढ़ेंगे, दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ना ट्रिक नंबर दो। मैडम और जॉन फ्रेंडली है दोस्तों। मैडम का मतलब क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी। अब अगली बात है कब और क्यों क्या मिलता इनको, इनको मिलता पृथ्वी क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और कब मिला था? 1903 में। और दूसरी बार कब मिला था? केमिस्ट्री में, और वो कब मिला था? 1901। दोस्तों अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मैडम क्यूरी को दो बार पुरस्कार कब मिला था, क्या मिला था, तो दोस्तों पहली बार तो मिला था इनको 1903 में फिजिक्स में भौतिक विज्ञान, और दूसरी बार मिला था इनको केमिस्ट्री के अक्षर रासायनिक विज्ञान में, वो कब मिला था? 1911 में। दोस्तों ऐसी बात आती है कि जॉन बार्डिंग की, जॉन बार्डिंग को क्या मिला था? वो मिला था इनको फिजिक्स के भौतिक विज्ञान को, कब मिला था? आज क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, वो मिला था इनको 1956 में, और दूसरी बार मिला था इनको भौतिक विज्ञान में 1972 में। दोस्तों ध्यानपूर्वक से पढ़ना और ध्यान राइट करना। और अब बात यह कि फ्रेडरिक सिंगर की रासायनिक विज्ञान दोस्तों आपको टिक करना पड़ेगा 1958 में, और दूसरी बार कब मिला था रासायनिक विज्ञान में? 1980 में। अब ये बात आती है आपकी लीक का मतलब, तो इसमें होगा आपका लीक पानी, और तो इनको मिला था केमिस्ट्री में इनके रासायनिक विज्ञान, और पूरी बात की कब मिला था वो मिला था 1954, और दूसरी बार मिला था इनको शांतिपुर क्षेत्र में, तो दोस्तों मिला था इनको 1965 में। अब आती है दोस्तों ट्रिक नंबर थ्री के बारे में, अधिस राशि बारे में पढ़ेंगे इसमें, अधिस राशि कौन कौन सी है हमें? दोस्तों आती है ट्रिक आती है उस आदरता को चाबी दो, उससे क्या बनेगा? दोस्तों उससे बनेगा आपका दोस्तों ऊर्जा, और ऐसे क्या बनेगा आपका दोस्तों समय, और आसे अब आती है बारी आपकी, आसे क्या बनेगा आपका दोस्तों आयतन, और ऐसी दैसे क्या बन जाएगा दोस्तों आपका द्रव्यमान, और अब बारे थे तापी, तासे क्या बन जाएगा आपका दोस्तों तापमान, और ओ को का मतलब हो जाएगा इसके आपका कार्बन। अब आती है दोस्तों चाकी, चार से बन जाएगा आपका दोस्तों चार, और बी आती है बारे बी की, बी का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका विद्युत धारा। अब आती है बारे दो की, दो का मतलब क्या हो गया दोस्तों दाब। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको बहुत से ट्रिक के अनुसार से बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब बताऊंगा, जिसमें आपको पढ़ने में याद करने में आसानी होगी। और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हर्ष कुमार 811।
और प्लीज सपोर्ट मत, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट्स और थैंक्स। ओके दोस्तों, आज किसी वीडियो में, ठीक है दोस्तों।